हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यार मैं अभी सो कर उठा हूँ, टाइम हो रहा है 12 एंड चाय मेरी आ चुकी है। फिर मैं और दी जाएंगे। रात का यार बड़ा बुरा सीन हुआ है ये कि यार रात को चीकू को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग गई। नॉन स्टॉप वॉमिटिंग कर रहा था वो लगातार 5-6 घंटे तक, मतलब सुबह के 6-7 बजे तक। दी बता रही है, ये देखो अभी जस्ट उठा है, जरा बिल्कुल लो हो चुका है, कल उसको ठंड लग गई है, इसलिए तो ये कहीं नहीं जाएगा हमारे साथ। जहाँ जाएंगे मैं और दी जाएंगे, ये रेस्ट करेगा। तो आज आपको ये देखने को कम मिलेगा कि हमारे साथ नहीं जाएगा। चाय पीते हैं फिर निकलते हैं सीधा नहा धो के दी के लिए, दी के घर के लिए। तो भाई देखो, ये हमारा चीकू लेटा हुआ है अपनी मम्मी के टोपी पहन के, बहुत बीमार है, मतलब वॉमिटिंग हुई थी जैसे इन्होंने को बताया, तो ये हमारे साथ नहीं जा रहा। ये ऐसे ही लेटा हुआ है, देखो कैसे सो रहा है, इसका मुँह इतनी सारी वॉमिटिंग कर गए, तो ये रेस्ट कर रहा है, फिर नीचे जाएगा नानी के साथ। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:30 में है, एंड दी जा रहे हैं दी की सोसाइटी। देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या है, सेट वेट करते हैं। तो गाइस ऑटो हमने कर लिया है, आज तो गाड़ी तो है नहीं क्योंकि जीजू ऑफिस गए हुए हैं, तो आज ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब जा रहे हैं सीधा दी की सोसाइटी, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, कितना बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा वैसे, और शायद वो एक तो उसमें लाइट भी आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि सामान वामान लगाना जो नया लिया था। तो अभी सीधे सोसाइटी जा रहे हैं। तो यार ऑलमोस्ट घर की सेटिंग्स तो हो चुकी है, आप देख सकते हो, मतलब ये देखो कुछ वो ये सब तो हो चुका है, बस इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वो भी मैक्सिमम 1 या 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, जो भी बिजली आ जाएगी, तो फिर सब काम हो ही जाएंगे ईजिली, तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 90% काम हो ही चुका है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम हटा दूँ तो। तो यार टाइम हो रहा है 3:30 एंड दी तो अपना नहा धो लिए हैं, मैं तो घर जाके ही नहाऊंगा। तो दी ने आज ये बनाया है, सैंडविच बनाया है पहली बार नए घर में, एंड चाय बना रही हैं, तो ये दोनों हम खाते हैं पीते हैं, फिर थोड़ा बहुत और काम करेंगे। आज से तो फिर से दी का ऑफिस शुरू हो गया, वीकेंड ओवर हो चुका है, तो शाम को दी का ऑफिस है, फिर हम बाद में थोड़ी मतलब 7-8 बजे के करीब घर जाएंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 6 एंड हम लाइट के बिना यहाँ पे, आप देख सकते हो दीदी ने फ्लैश जला रखा और मैंने भी, तो दी चाय बना रही हैं, तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद दी ऑफिस करेंगे, फिर जब जीजू ऑफिस से आएंगे तो हम घर जाएंगे। और चीकू से बात हुई थी अभी दी की, तो वो बेचारा सुस्त हो रखा है, मतलब कैसे तो चिड़ा हुआ है क्योंकि हम उसे लेकर नहीं आए, तो थोड़ा चिड़ा हुआ है, उसका मूड ऑफ है। तो कोई नहीं यार, चाय वाय पीते हम। सो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था दी चाय बना रही है, तो चाय के साथ साथ दी ने मैगी भी बना दी है, देखो मैगी और चाय, तो हम मैगी और चाय खा भी रहे हैं। आप भी कहोगे यार लाइट है नहीं, तब भी इन्हें चाय नहीं, खब्बुओं को यार क्या करे, भूख तो लगती है, तो चाय और मैगी खाते हैं पीते हैं, फिर बात थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो भाई टाइम हो रहा है 7:30 एंड जीजू आ चुके थे, तो मैं और दी और जीजू अब जा रहे हैं मेरे घर, क्योंकि आपको पता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो वहाँ जाएंगे। एंड आपको पता है इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है अभी से, मतलब आप देख सकते हो, अगर आपको मिरर से दिख रही होगी बाहर, बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी हो रहा है, और ठंड तो है बढ़ चुकी है डे बाय डे। तो चलो चलते हैं, मतलब कार में ही है। तो गाइस घर में आ चुका हूँ, देखो येरा चीयू, ये देखो येरा चीयू, ये पता नहीं अपने चिप्स को छुपा रहा है, ये देखो ये इसकी नानी, ये दोनों येरे चीकू। अब देखिए तबीयत कैसी है, अच्छी है, चल ठीक है, चलो उसके बाद मैं नहाता धोता हूँ। तो भाई इसको ये लग गया अपनी प्ले स्टेशन में, कल से लगा हुआ है, पता नहीं कौन सी गेम लगाई थी, यू दिखाई, यू ये एक्समैन गेम खेलेगा। सो गाइस टाइम हो रहा है 11 एंड मेरा डिनर आ चुका है, डिनर में है आलू मटर रायता एंड परौठी, तो ये खाते हैं। उसके बाद कल बहुत सारे काम करने हैं मैंने और दी ने, तो एक आधा चीकू बाहर बैठा है, पापा खेल रहा है अपने, क्योंकि उसके पापा घर जाएंगे, उनका ऑफिस तो उनकी सोसाइटी में ही है, उनके मतलब उन्हीं के टावर में, तो नीचे ही है, मतलब वो 18 पे रहते हैं और फर्स्ट का ऑफिस है। ये देखो इन दोनों को, माँ बेटों को, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और ये हमारा बीमार है, तो इसकी मम्मी से खेल
खिला रही है, पर आज ना ये चिढ़ गया था क्योंकि हमारे साथ जा नहीं पाया था, तो इसने पहले बोल दिया उन्हें पापा को कि मैं भी कल चलूंगा, जैसा काम होना हो, बट कल जरूर चलेगा। बट हाँ कल तो वैसे भी बहुत सारे काम होने हैं ना हमारे, इसलिए। तो गाइस डिनर मेरा हो चुका है, चिकू का भी हो चुका है, दीने तो अभी करानी है, वो लेट ही करती हैं। ये देखो इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये गोपचे में बैठा हुआ है, ठंड लग रही है, पता नहीं बीमार है ये, ही इज़ नॉट वेल ना, दिख रहा होगा आपको, तभी आशा तानिया नहीं कर रहा, ठीक हो जाएगा आज रात में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कल जाना है, शक्लें बना रहा देखना ज़रा जी भाई, कभी कभी जी हो जाता ना ये, अभी ये नानी की एक्टिंग करेगा, नानी की एक्टिंग करता है ये, दिखाएंगे फिर। गाइस देखो ये हमारा ट्रेन का डब्बा है, मैं नीचे सो रहा हूँ, ये मेरे बिस्तर पे आता है और रात में ना सो जाता है, मैं रात को मैं लेट आता हूँ ना एडिटिंग करके, तो ये सो जाता है, फिर मुझे इसको उठाना पड़ता है, देखो मैं ये ना नानी की एक्टिंग करता रहता है, ये देखो ये इसकी मम्मी खाना खा रही है, हार्ड वर्किंग वुमेन, और ये मेरी मम्मी, ये ओवर हार्ड वर्किंग है, मेरी बहन मम्मी से इंस्पायर है और मैं दोनों से इंस्पायर हूँ, और ये किसी से इंस्पायर नहीं, देखो ये हरकतें ऐसी कर रहा है कि यार मैं क्या बोलूँ। अब तेरी तबीयत ठीक हो गई जीव? नहीं हुई तभी तो एक्टिंग कर रहा है। चिकू नानी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? रीटा। रीटा आंटी वो बेस्टी फॉर लाइफ है, ये देखना इसकी हरकतें देखो। मम्मी क्या बोल रहे थे एक बार बोलना, क्या बोल रहे थे आप? कौन आपकी फ्रेंड की बहू? बैंगन ही शक्ल है उनकी, मम्मी देखो बता रही है अपनी फ्रेंड की बात। इसको देखो कितनी हंसी आ रही है। सो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।